शादी करनी पड़ेगी अंकिता। अंकिता का ध्यान रखना। तुम दोनों की कहानी में विलन नहीं बनना मुझे। तुमने ये सब कुछ नाटक किया, मुझसे झूठ बोला, ऐसे क्यों किया? विजय, मुझे पता था कि आप ऐसे नहीं हैं। आप, मुझे विश्वास था कि आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते आप। और मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास था। सुबह आए थे हमारे पास। कैसे हो रंजी? मैं ठीक हूँ। बैठिए। एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। तुमने अंकिता का ख्याल रखा, उसे अपने घर में जगह दी, इसके लिए थैंक यू। मैं जानता हूँ कि तो कभी बोलेगी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब बोलना था तब आपने कुछ बोला नहीं। आपको बोलना चाहिए था 5 साल पहले। तब अगर आपने अंकिता का साथ दिया होता तो वो माँ बनने वाली थी। कभी सोचा है आपने कि कैसे संभाला होगा उसने अपने आप को? क्या बीती होगी उस पर? उस गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तब मैं बीमार था, मुझे होश नहीं था। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं याद कि हमारी शादी हुई थी। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, एक रिश्ता था हम दोनों के बीच। मुझे कुछ भी याद नहीं था। इसलिए मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ एक खेल खेला। बहुत कुछ हुआ लाइफ में, लेकिन अब सब सही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। और अंकिता भी मेरी जिंदगी में वापस आना चाह रही है, और मैं भी। आप क्या कह रहे हैं? अंकिता आपकी जिंदगी में वापस आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? अंकिता मुझसे शादी कर रही है। मैं जानता हूं कि वो वैष्णवी की छोटी माँ है। तुम्हारे घर वाले भी काफी पसंद करते हैं, और तुम्हारी भी अच्छी दोस्त है, काफी एहसान है तुम्हारे उस पर। शायद इसी दवा में आके उसने शादी के लिए हाँ कह दी थी, लेकिन ये प्यार नहीं है। प्यार वो मुझसे करती है, करती थी और करती रहेगी। और अब मैं चाहता हूं कि उसको वो सारी खुशियां दूं जो 5 साल में उसे नहीं मिल पाई, जिन्हें वो डिजर्व करती है। देखो, मैं तुम्हें किसी तरह से हर्ट नहीं करना चाह रहा। बस इतना समझता हूं कि तुम एक समझदार आदमी हो और इस चीज को समझ पाओगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं कुछ नहीं समझता तो? प्यार करते हो अंकिता से? खुद से ज्यादा। अच्छा है, अच्छा लग रहा है ये देख करके तुम अपना प्यार पाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो। मुझसे बात करने आए हो, और मैं अंकिता से बात करूंगा। और अगर उसने एक बार भी कह दिया कि वो तुमसे प्यार करती है या शादी करना चाहती है, तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊंगा। जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं भी यही चाहता हूँ। जैसे तुम अपना प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो, वैसे अंकिता भी अपना प्यार पाने की कोशिश कर। और हाँ, एक और बात, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ नाटक नहीं किया, तुम्हारी बहन परी के साथ भी किया है। आई थी मेरे पास बड़ी उम्मीदें लेकर, पर अफसोस वो सफल नहीं हो पाई। वैसे मुबारक हो नरेन, तुम तो बिल्कुल सही थे। विजय, थैंक यू। बस हमेशा खुश रहना अंकिता। चलो अब संगीत शुरू करते हैं।
परी कहाँ जा रही है? ना खुशी का मौका है, इतने दिनों के बाद मिठाई तो खाओ, ले लो। परी अंकिता बिटिया, ये नाटक में सिर्फ रणविजय शामिल नहीं था बल्कि हम सब शामिल थे। हाँ बिटिया, तो कहा हमने बेटी कहा है, अब भला कोई बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकता है का? और तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया कि हम तो के साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकते हैं, तेरे प्यार से अलग कर सकते हैं, तेरे बच्चे से अलग कर सकते हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अरे आप लोगों ने गाना बजाना क्या बंद कर दिया? नरेन अंकिता की शादी है, बजाओ भाई बजाओ। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाओ। मुझे मिस कर रही थी? क्या देख रही हो? चांद को। कभी कभी इसको देख के ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारी तरह? कैसे? इतने सारे सितारे हैं उसके पास लेकिन फिर भी अकेला है, एकदम अकेला। और अभी देखकर क्या लगा? अभी देखकर ये लग रहा है कि उसका चकोर उसके साथ है और वो बिल्कुल अकेला नहीं। तुम्हें पता है चांद का चकोर हमेशा उसके साथ होता है, बस दिखता नहीं है। लेकिन अब आई प्रॉमिस कि चांद कभी अकेला फील नहीं करेगा, उसका चकोर हमेशा उसके साथ रहेगा, हमेशा। नरेन सर, इस पल का मैंने बहुत इंतजार किया है। मैंने सोच लिया था कि अब हम कभी एक नहीं हो सकते लेकिन आज हम एक हो गए। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, अब मैं अलग। ऐसा नहीं होगा अंकिता, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। आई प्रॉमिस, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आई ट्रस्ट यू। लेकिन पता नहीं क्यों नरेंद्र सर, अभी भी कोई भी खुशी आती है ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है, तुम देखना आज से सब कुछ अच्छा होगा। अंकिता, टूटता तारा, चलो विश मांगते हैं। भगवान करे कि हमारा पवित्र रिश्ता इसी तरह बना रहे हमेशा के लिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस अंकिता अंकिता हमेशा खुश रहे। तू ठीक तो है ना बेटा?
हाँ माँ। अंकिता के बारे में सोच रहे हो ना? अंकिता से बहुत ते प्यार करते हो, हम जानते हैं बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारी दर्द को समझ सकते हैं, तुम्हारी आंखों को पढ़ सकते हैं, हम जानते हैं कि तुम अंकिता से बहुत ते प्यार करते हो। पर मेरे प्यार करने का क्या फायदा? एक तरफा प्यार कभी कामयाब नहीं होता। मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और अंकिता, हम समझ सकते हैं, लेकिन किसी को पा लेना उसको ही प्यार नहीं कहते। प्यार के लिए कुर्बानी देना होता है, उसके लिए कुछ करना होता है, उसको सच्चा प्यार कहते हैं बेटा। और हम जानते हैं कि तुम अंकिता से सच्चा प्यार करते हो। लोग तो प्यार में धोखा खाते हैं, लेकिन तुमका तो चैन मिला है, सुकून मिला है। अरे बेटा, तुम तो दो दिल को मिलाए हो, नरेन और अंकिता को मिलाए हो। हाँ बेटा, हमका नाज है तुम पर। हाँ, ये बात का दुख हमका है कि अंकिता हमारी बहू नहीं बन पाई, लेकिन कौनो बात नहीं बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हमरे साथ है, हमरा बेटा सही सलामत हमरे पास है, और हमको दुनिया की कौनो खुशी नहीं चाहिए, कौनो खुशी नहीं। अकेले अकेले गले मिलोगे? I love you, Papa. Pari! क्या हो रहा है ये? इतनी जोर से कोई म्यूजिक सुनता है क्या? मैं सुनती हूँ और अब मैं डांस भी करूंगी। आपको प्रॉब्लम है? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन दरवाजा बंद करके। बाकियों की नींद क्यों खराब कर रही हो? ये इतनी तेज आवाज कहां से आ रही है? कौन है और कौन कर सकता है ये हरकत? तुम्हारी परी। और खराब। अरे वो बेचारी परेशान है, इसलिए लाउड म्यूजिक सुन रही है। बट उसे उसे लग रहा है कि वो शांत हो जाएगी, बट उसे कौन समझाएगी? ये सब हरकतें करने से उसे शांति नहीं मिलने वाली। तुम ही जाके समझा लो उसे। नहीं, देखा जाए तो तेरी और मेरी किस्मत एक जैसी है ना। बाबा ने तुझे ओवी मौसी के लिए छोड़ दिया था और अब नरेन ने मुझे छोड़ दिया। और कोइंसिडेंस देखना, ओवी मौसी तेरी बहन थी और अंकिता मेरी बहन है। हाँ, वो मेरी बहन है। मेरी बहन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। आई रिश्तों के मामलों में मैं कितनी बदकिस्मत हूं ना। जिंदगी भर अपने बाबा के प्यार के लिए तरसी, कभी उनका प्यार नहीं मिला। उसके बाद अब मेरा पति, आई अब मेरा भरोसा उठ गया है रिश्तों से। तू भी तो मुझे छोड़ के चली गई। कब थी तू मेरे साथ? ना मेरे दुख दर्द में, ना मेरी खुशियों में, कभी नहीं। कोई नहीं था मेरे साथ, अकेली थी मैं, बिल्कुल अकेली। कहाँ थी तू आई? मुझे नफरत है सबसे, तुझसे, बाबा से, इन सब लोगों से, आजोबा, आजी, सब सबसे, सबसे। I'm
सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग, कितना सोती हो तुम दोनों? बहुत दिनों बाद सोए। तुम्हें पता है 3 बार चाय बना चुका। आपने सुबह सुबह आपने क्यों चाय बनाई? किसी को बोल देते वो बना देता। तुम भी तो अपने हाथों से मेरे चाय बनाती थी है ना? अच्छी बनी है ना? बहुत अच्छी बनी है। पता था मुझे। कैसे? मैंने वैसी बनाई जैसे तुम बनाती हो, अदरक। नाइस। हाय बेबी। गुड मॉर्निंग डैडी। वेयर इज माय किस? गुड मॉर्निंग। वेयर इज मम्मास किस? मरू। मम्मा कौन सा ड्रेस पहनूं? पहले आपकी मेहंदी और फिर साड़ी। चलो हम शॉपिंग चलते हैं, ठीक है? चलें? दादा आप अकेले चले जाना, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। अच्छा, अब तक तो अच्छी नहीं थी, अब कैसे अच्छी होगी एकदम से? मुझे जब पता चल गया आपकी पसंद अच्छी है। लॉस हो गया, इतना बड़ा लॉस। गौरव कब समझेगा तू? कितनी मुश्किल से हमने ये बिजनेस शुरू किया था और तू कहता कि मैं और तेरे बाबा आजुबा के खिलाफ खड़े रहे थे। I know mom, अब हो गया लॉस, क्या करूं? इस बिजनेस ऐसा कैसे हो जाता है? एक बिजनेसमैन कभी अपना लॉस नहीं होने देता है। और प्लीज हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच सच बोलो, तुमने ये पैसे जुए में गवाए हैं, राइट? गौरव मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, आंसर मी। गौरव आंसर मी, जवाब दो। गौरव सचिन देख लेना, एक दिन ये हमारा बिजनेस बंद करवा के ही रखेगा। ऐसी गलत हरकतें होंगी तो यही होगा। मैं आज तक सोहम को उसी गलत हरकतों के लिए डांटता रहा, आज मेरा बेटा भी उसी रास्ते पे जा रहा है। इतना बड़ा लॉस है कैसे रिकवर करेंगे? I'm sure, इस बार तो बाबा भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं आप लोगों को लोन दिलवा सकती हूँ जिससे आपका बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा, आपको अंकिता के खिलाफ खड़ा होना होगा। परी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अंकिता के खिलाफ खड़े रहना, उसकी शादी है, सब खुशियां मना रहे हो और तुम कह रहे हो कि आज शादी है, अभी तक हुई नहीं है और हमें इस शादी को रोकना है। आप लोग मेरी मदद कीजिए और मैं आपकी मदद करूं, डील? क्या करना है? सॉरी परी, हम इस बात तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। हम अपने परिवार के खिलाफ कई बार जा चुके हैं, अपने आई बाबा को हर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। लेकिन सचिन, नीना, हमने कई बार गलतियां की, लेकिन बाबा ने हमें इस घर से बाहर नहीं निकाला। आज ये घर अंकिता के नाम है, लेकिन उसने भी हमें इस घर से बाहर नहीं निकाला। इनफैक्ट उन दोनों का दिल बहुत बड़ा है, अब हमें भी अपना दिल बड़ा करना होगा, अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, अपने घर वालों को लूटना, उनके बारे में गलत सोचना, इट्स नॉट फेयर। आज से मैं अपने परिवार के हित में सोचूंगा और तुम्हें वही फॉलो करना होगा, और तुम्हें अगर वो मंजूर नहीं है तो तुम्हें घर छोड़ के जा सकती हो। परी, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा, अपनी जिद छोड़ दो, हार जीत के ऊपर सोचो। अंकिता एक अच्छी लड़की है और उसे मामा प्लीज मुझे लेक्चर वेक्चर मत दीजिए, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, चाहे आप मेरा साथ दें या ना दें। आप लोगों को महान बनने का शौक है, मुझे नहीं, आप लोग बनिए। सचिन नीना, अपने परिवार के खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें करना छोड़ दो, अदरवाइज I will not tolerate this. I think Sachin is right.
फायदा इसी में है कि अपनी गलतियां मान लो और सुधरने की कोशिश करो। अंकिता का दिल बहुत बड़ा है, आई एम श्योर वो हमें माफ कर देगी।